हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से डेट एंड टाइम चेंजेस सेट कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम चेंजेस सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में हाथ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से हाथ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जनरल मैनेजमेंट का। इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में हाथ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डेट एंड टाइम का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। सेट डेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हाथ से आपको अपने फ़ोन में जो भी डेट सेट करनी है कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सेट टाइम का, तो सेट टाइम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ़ोन में जो भी टाइम सेट करना चाहते हैं वो सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम। यहाँ से फिर आप अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।